दोस्तों आज हमारे पास है 150cc की एक दमदार लुक वाली बाइक, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लुक मिल जाता है, परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक का नाम है सुजुकी की जिक्सर, जो कि नेकेड वर्जन है। इसमें आपको फुल फेयरिंग सीरीज भी देखने को मिलती है, जिसे SF बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस बाइक के प्राइस की बात कर लेते हैं। नेकेड वर्जन की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाले विद एसेसरीज 165,000 एंड SF की आपको पड़ जाएगी, जो फुल फेयरिंग वाली है उसकी पड़ जाएगी 167,000 के आसपास। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज हम जानने वाले हैं नेकेड वाले वर्जन के बारे में फुल डिटेल्स हैं, और इसमें एक अपडेट भी है, वो भी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़रा टाइम लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। सो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। LED हेडलाइट आपको मिल जाती है, इंडिकेटर आपको बल्ब मिलने वाले हैं, और मिरर की बात करें तो आपको कुछ ऐसे मिलने वाले हैं। इसके ऊपर आपको कार्बन फाइबर फिनिश कटर्स दिया गया है, जो कि थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। सो नंबर प्लेट आपकी यहाँ पर लगने वाली है। मडगार्ड की बात करें तो आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी विद स्टिकर वर्क, और मडगार्ड आपको ब्लैक एंड ग्लोसी फिनिश में मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल फ्रंट से बाइक कुछ ऐसी दिखने वाली है, और अभी हम इसकी हेडलाइट ऑन करके देख लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम इसके की के पास। ये रही इस बाइक की की, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ऐसी की आपको मिलने वाली है, और अभी हम बाइक को ऑन कर लेते हैं। सो बाइक हो गई ऑन। ये रहा इसका मीटर कंसोल, और चलते हैं फ्रंट में देख लेते हैं हेडलाइट। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी, और हाई बीम ऑन करके देख लेते हैं। सो हाई बीम पे और अच्छा थ्रो आपको मिलने वाला है। इंडिकेटर हम ऑन करके देख लेते हैं। सो ये रहा इसका इंडिकेटर, आपको बल्ब मिल जाता है। ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, और चलते हैं अभी हम रियर वाले सेक्शन पे। रियर का सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बाइक का। आपको ये टेल लाइट मिल जाती है LED, ये रहा रियर का इंडिकेटर। देख सकते हो आप रियर से कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी हम चलते हैं फ्रंट में। सबसे पहले बाइक को मैं ऑफ कर देता हूँ, और आ जाते हैं अभी हम फ्रंट में। ओवरऑल इस बाइक का फ्रंट लुक आपको कुछ ऐसे मिलने वाला, फ्रंट से बहुत ही गजब की दिखती है। और आ जाते हैं अभी हम साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल की बात करें, इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। पहले नज़र आपकी पड़ेगी इसके सस्पेंशन पे। फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिलने वाला है टेलीस्कोपिक, और रियर की बात करें तो आपको मिल जाता है मोनोशॉक, जो कि एक अच्छा सस्पेंशन होता है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके टायर के बारे में। आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं, जो कि MRF ब्रांड के रहेंगे। टायर साइज की बात करें तो आपको मिलने वाली 100x80 की फ्रंट में, और रियर की बात करें तो आपको 140x60 की मिल जाएगी। तो रियर का टायर साइज काफी ज्यादा वाइडर रहने वाला है, और रियर में आपको रेडियल टायर मिल जाता है, तो काफी अच्छी बात है इस बाइक के लिए। और व्हील की बात करें तो आपको 17 इंच की अलॉय व्हील मिल जाएगी फ्रंट एंड रियर पे। व्हील पे आपको रेड कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा लुक प्रेजेंट कर रहा है। और भी बात कर लेते हैं ब्रेक की। आपको डुअल डिस्क मिलने वाली है, जो कि वेंटिलेटेड रहने वाले हैं। साथ में आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं। सो इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। ये रहा इसका कैटलेटिक कन्वर्टर, और इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। हॉर्न, वो रहा आपका हॉर्न। सो ये रहा इसका इंजन, यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इसके इंजन की बात करें तो आपको 155cc का इंजन मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर मिल जाएगी 13.6 PS एट 8000 RPM पे, और आपको टॉर्क मिल जाएगा 13.8 Nm एट 6000 RPM पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल EFI, और साथ में आपको मिल जाता है 5-स्पीड गियर बॉक्स। इसमें आपको 150cc का काफी दमदार इंजन मिल जाता है। ये रहा आपका ब्रेक पैड, राइडर फुटेज। इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। टैंक की बात करें तो आपको जिक्सर की ब्रांडिंग मिल जाएगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ऐसा कुछ रहने वाला है। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। तो ये रहा इसका टैंक आउल, आपको स्पोर्टी टच के साथ मिलने वाला है। ये रहा इसका एग्जॉस्ट, जो कि आपको ट्विन बैरल मिलने वाला है, बहुत ही गजब का दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्रोम प्लेटेड मफलर भी मिल जाता है, जिसे साइलेंसर कवर बोलते हैं। सो इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखेगी। सीट काउल आपका कुछ ऐसे दिखने वाला है, ग्रैब रेल। ये रहा आपका रियर का मडगार्ड विद रिफ्लेक्टर। आपको स्प्लिट टायर हगर मिल जाते हैं, जो कि आपके प्रीमियम राइडर को प्रोटेक्ट करेंगे, साथ में इसके लुक को भी काफी ज्यादा इनहेंस कर देते हैं। और अभी हम देख लेते हैं इसका थोड़ा दूर से फुल व्यू। ये रहा इस बाइक का फुल व्यू। राइट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं ये बाइक कैसी लगी। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के रियर वाले सेक्शन पे। तो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। ग्रैब रेल आपको मिल जाएगा, ये रही टेल लाइट LED आपको मिलने वाली। ये रहा रियर का मडगार्ड, ये कुछ ऐसे दिखेगा। नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा। ये रहा रियर का इंडिकेटर, जो कि आपको बल्ब मिलने वाला है। सो रियर का व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। और आ जाते हैं लेफ्ट साइड पे। ये रहा सीट काउल का एरिया, सारी गार्ड मिल जाएगा। ये रही चैन ड्राइव, आपको डुअल स्टैंड इसमें मिल जाता है, साथ में सिंगल स्टैंड, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जो कि पहले नहीं था। ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, और यहाँ पे आपको सीट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। की से एक्सेस मिलने वाला है, आपको सेम ग्राफिक्स मिलने वाले जैसे हमने उधर देखा था। टैंक पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। सो ये रहा इसका इंजन, ये रही इसकी व्हील। इधर से ऐसे कुछ दिखने वाली है बाइक। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू। लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कैसी लगी। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट एंड कंफर्ट के बारे में। तो ये रही इस बाइक की सीट, आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, जिसमें आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। कुशनिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, स्टाइलिश भी है। सो राइडर एंड पिलियन राइडर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ऐसे ग्रैब रेल मिलने वाले, जो कि ग्लोसी फिनिश में आएंगे। इसमें आपको स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसकी माइलेज मेरे हिसाब से आपको मिलने वाली है 42
40 to 45 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है आप चलाते कैसे हो। और इसका फ्यूल टैंक काफ़ी स्टाइलिश है और इस बाइक का हाईलाइट है इस बाइक का फ्यूल टैंक है। और भी बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में, ये मैं ऑन कर देता हूँ। ये आपको फुली डिजिटल मिलने वाला है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है, स्पीड यहाँ पर बताएगा, ओडोमीटर बताएगा, बैटरी का बताएगा, RPM यहाँ पर शो करेगा, बाकी के इंडिकेटर यहाँ पर शो होने वाले हैं। सीट रिसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ आपको मीटर कंसोल मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं इसकी रेसिंग हैंडल बार की। ये आपका थ्रोटल, ब्रेक लीवर, किल स्विच, सेल्फ का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सिंगल पीस में आपको रेसिंग हैंडल बार मिलने वाला है। इधर बात करें आपका यहाँ पर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न, ये आपका पासिंग का लाइट, ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर। और ग्लास आपको कुछ ऐसे मिलने वाले। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। इस बाइक की विड्थ की बात करें तो आपको मिलने वाली 800 mm, लेंथ है 2020 mm और इसकी हाइट आपको मिलने वाली है 1035 mm। फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा 12 लीटर का। सैडल हाइट है 795 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है 160 mm का। और इसका व्हील बेस आपको मिलने वाला 1335 mm और इसका वेट आपको मिलने वाला 141 kg। दोस्तों अगर आप देख रहे हो 150cc की एक बजट फैमिली जिसमें आपको अच्छा खासा लुक मिल जाए, माइलेज मिल जाए एंड पिलियन कंफर्ट भी आपको अच्छा मिल जाए, सो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। ये सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। इसकी प्राइस की बात करें तो आपको ऑन रोड ये बाइक पड़ने वाली है 1,65,000 रुपये विद एसेसरीज, जिसमें आपको हेलमेट, पार्किंग कवर, सीट कवर और जो भी जेन्युइन एसेसरीज रहती है सुजुकी की तरफ से वो सब कुछ आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से ये एक वैल्यू फॉर मनी बाइक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग क्या ओपिनियन है। और यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।